guys, welcome back to Mishan's. So in today's video, I will be showing you how to make Punjabi style aloo paratha recipe. Friends, वैसे तो आलू पराठा बनाना बहुत ईजी है, बहुत सिंपल रेसिपी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप आलू पराठा खाते हैं तो उसके हर बाइट में आपको आलू की स्टफिंग का टेस्ट आए, हर बाइट में अच्छे से आलू स्टफ हो. सो आज मैं आपको ये बताऊँगी कि हम आलू का अच्छे से कैसे स्टफ़ कर सकते हैं और मैं आलू पराठा कैसे बनाती हूँ, और ये सच में बहुत डिलीशियस बनता है. तो सबसे पहले हम आलू बॉईल कर लेते हैं. इसके लिए मैंने 6 आलू रख दिए हैं बॉईल होने, जिन्हें हमें 5 विसल्स देनी है. जब तक आलू बॉईल होते हैं तब तक हम डो रेडी कर लेते हैं आटे का. तो मैं एक बोल में ले रही हूँ 2 कप आटा. ये मैंने व्हीट फ्लार लिया है, नॉर्मल आटा. इसके अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा सा हमने सॉल्ट ऐड करना है इसमें. और अब हम इसे नॉर्मल, जैसे हम आटा गूंदते हैं रोटीज़ के लिए, पराठास के लिए, वैसे हम इस आटे को गूंद लेंगे. फ्रेंड्स, एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना है कि जब आप आलू पराठास के लिए आटा गूंदते हैं तो आटे को अराउंड 1 से 1.5 घंटा पहले गूंद कर रखिए, तभी आलू पराठास बहुत अच्छे बनेंगे. और आप आटा को गूंद के फ्रिज में रख दीजिए. देखिए, ये मैंने आटे को गूंद लिया है. अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर कर रख देंगे. पाँच मिनट बाद हम इसके ऊपर हल्का सा घी लगाएंगे, या आप ऑयल लगाइए, और इसे 1 मिनट के लिए और गूंद दीजिए. और अब हम इसे एक कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख देंगे. तब तक हम आलू की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं. सो ये जो मैंने जो आलू बॉईल किए थे ये रेडी हैं, इनको मैंने पील कर लिया है. अब हम इन्हें ग्रेट करेंगे. फ्रेंड्स, जब हम आलू पराठास बनाएं तो हमेशा आलू को ग्रेट करके ही आप मसाला रेडी करिए. इससे क्या होगा, जो आलू जो हैं वो बहुत अच्छे से स्टफ़ होंगे उसमें. कई बार हम हाथ से मैश करते हैं तो मोटे मोटे उसमें थोड़े से पीस रह जाते हैं, जो अच्छे से स्टफ़ नहीं हो पाते हैं. सो इसलिए हमेशा आप ऐसे बनाइए तो आलू पराठास बहुत अच्छे स्टफ़ होंगे. सो अब हम आलू स्टफ़ करने के लिए मसाला रेडी कर लेंगे. सो ये आलू मेरे अच्छे से मैश हो चुके हैं. अब हम इसमें ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे. आप इंग्रेडिएंट्स इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं. मैं ये लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी. इसके लिए मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं. आप चिली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. 2 मीडियम अनियन लिए हैं, जिन्हें मैंने बहुत अच्छे से चॉप कर लिया है. अनियन को बहुत बारीक चॉप करना है हमें. और मैंने इसमें 1/2 कप धनिया लिया है और 1/4 कप मिंट भी लिया है, यानी पुदीना. पुदीने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा. ये सब चीज़ें अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अनियन, देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया, पुदीना. अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिली. नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, अराउंड 1/2 टीस्पून. ये ब्लैक पेपर है, यानी काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे हम. ये साबुत धनिया है, इसे हाथ में ऐसे लेकर थोड़ा सा इसे क्रश कर लीजिए हाथ से, और इसे अब इसमें ऐड कीजिए. नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे अराउंड 1 टीस्पून ये धनिया पाउडर. सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे हम इसमें. सॉल्ट हमने आटे में भी डाला है तो हमें सॉल्ट थोड़ा सा ध्यान से डालना है. ये अराउंड 1/2 टीस्पून या 3/4 टीस्पून आप ले सकते हैं. उसका रेड चिली पाउडर, ये मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर इसमें ऐड किया है. अब हम इसमें थोड़ा सा, बहुत हल्का सा जीरा ऐड करेंगे. ये है जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर. ये अराउंड 1 टीस्पून मैं इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, और थोड़ी सी अजवाइन हम इसमें ऐड करेंगे, यानी कैरम सीड्स. सब इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड कर दिए हैं. अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून से. आप चाहें तो पूरे मसाले को हैंड से मिक्स कीजिए. मैं पहले इसको स्पून से मिक्स कर रही हूँ, देन मैं इसे हैंड से मिक्स करूँगी. हाथ से मिक्स करने से ये मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा. देखिए, इसका एक डो रेडी हो गया है. सो अब हम आलू पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं. ये मैंने आटे को फ्रिज में रखा था, आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है. बहुत छोटी सी लोई ली है मैंने, जैसे हम नॉर्मल चपाती बनाते हैं उसके लिए लेते हैं. और इसे हमने थोड़ा सा सूखा आटा लगा के बहुत हल्का सा थोड़ा सा इसे बेल लिया. हाथ पे थोड़ा सा घी लगाइए. आप आलू पराठा उसको घी से बनाइए तो आलू पराठा बहुत यमी बनेंगे. आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है. ऐसे हमने एक बॉल बनानी है स्टफिंग की. बॉल बनाएंगे तो बहुत अच्छे से स्टफ़ हो जाएगा ये आलू पराठा. और इसे साइड से इस तरीके से प्लेट्स बना के पूरा इसे सील कर दीजिए. इसे अच्छे से सील कर दीजिए ताकि आलू की स्टफिंग बाहर ना आए. अब इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए.
और पहले हम इसे इस तरीके से स्लाइटली बिल्कुल अपने हाथों से प्रेस करते हुए हाथ से इसे हम ऐसे बेल लेंगे। इससे जो आलू की स्टफिंग है वो कॉर्नर्स तक बहुत अच्छे से चली जाएगी। बहुत स्लाइटली करना है आपने। उसके बाद हम इसे हल्के से बेलन से ऊपर से थोड़ा सा बेल लेंगे। बहुत हल्का हाथ चलाना है आपने बेलन का इस पर। सो ये पराठा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे गरम गरम तवे पे इस तरीके से डाल देंगे। ये एक साइड से पक जाए तो हम इसे फ्लिप कर देंगे। देखिए ये दूसरी साइड से भी रेडी हो चुका होगा। अब हम इसे टर्न करेंगे दोबारा और इस पर अराउंड 1 टेबल स्पून अब हम इस पर घी डालेंगे। और घी को अच्छे से इस तरीके से पूरे पराठे पे लगा लीजिए। अब इसे हमने टर्न कर दिया और इसे हल्का सा, आप चाहे तो ये किचन टॉवल होता है उससे या फिर जो किसी भी कड़ची से इसे हल्का सा ऊपर से दबाइए तो वो नीचे से पराठा क्रिस्पी हो जाएगा। ऐसे हमने दूसरी साइड पे भी 1 टेबल स्पून घी लगाया और अब इसे इस तरीके से हम प्रेस करेंगे। इसे पराठा अच्छे से पक भी जाएगा और क्रिस्पी भी बहुत हो जाएगा। ये बिल्कुल रेडी है पराठा सर्व करने के लिए। आप देखिए कितना क्रिस्पी हो चुका है और कितना ब्यूटीफुल कलर आया है। सो फ्रेंड्स, ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल आलू पराठा इज़ रेडी टू बी सर्व हॉट। आप इसे कर्ड के साथ, बटर के साथ, अचार के साथ या किसी चटनी के साथ सर्व कीजिए या इसे ऐसे ही खाइए। ये बहुत डिलीशियस लगेगा। मैं आपको एक बाइट तोड़कर दिखाती हूँ। आप देखिए ये कितने अच्छे से स्टफ हुआ है। और आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी टाइम बना सकते हैं। ये बहुत यमी लगता है और आलू पराठा के टेस्ट को कोई भी चीज़ बीट नहीं कर सकती। सो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी देन इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, बाय बाय।